हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एप्पल का यूज़ करते हुए प्योर एथेनॉल बना के देखेंगे। तो इसके लिए हमने एक ही चिप एप्पल परचेस किया है। तो एप्पल यानी सेब आपको आराम से बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं मार्केट में कहीं भी। तो आप इसे 1 kg यूज़ कर सकते हैं, या आपको कम बनाना चाहते तो 1/2 kg, या ज़्यादा बनाना चाहते तो 2 kg यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये लगभग 1 kg के आसपास है, थोड़ा सा कम है, कोई दिक्कत नहीं। दुकानदार ने हो सकता है काटा मार लिया होगा, कोई बात नहीं है, चलता रहता है इतना उतना। तो चलिए, सेब को छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं ताकि ये मिक्सी में आसानी से पीसी जा सके। हम इसे मिक्सी में ऐसे इनडायरेक्टली नहीं डाल सकते क्योंकि मिक्सी के ब्लेड हमारे ख़राब हो सकते हैं और इससे अच्छे से पीसे भी नहीं जाएगा। हमें इसको किसी तरह इस तरह से उसके पीसेस बनाने हैं। तो देखिए, मैं इसे काट लिया हुआ अच्छे से, और बाद में इसे हम पानी से अच्छे एकदम क्लीन वाटर से इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो देखिए, मैं साफ़ कर लेता हूँ और ये अच्छे से एकदम, देखिए कितना मैला पानी आ गया, यानी कितना गंदा पानी है। तो सेब को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। ओके, तो देखिए क्लीन हो चुके हैं। तो इसे अभी हम मिक्सी में पीस लेंगे। ये जूस वाला जार है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, या नॉर्मल कोई भी जार आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं मिक्सी का। तो देखिए, इस तरह से इसे जूस बना लेना होता है इसका हमें, ताकि हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और जो ईस्ट है हमारी उसको खाने के लिए इसको इजी हो जाए। तो बाकी का जो बचा हुआ सेप है उसको भी हम पीस लेंगे मिक्सी में से। ठीक है, ये पीसना हो चुका है हमारा लगभग। तो अभी हम ईस्ट एक्टिवेट करने के लिए हमने थोड़ा सा पानी रखा है ये हॉट प्लेट पे थोड़ा सा, और ये चलिए थोड़ा ईस्ट, ये शुगर ऐड कर लेना है हमें, वो शुगर लगेगी हमें इसमें जब तक हमारा पानी थोड़ा गर्म होगा, क्योंकि इसको थोड़ा गुनगुना पानी चाहिए होता है, नहीं तो ये डायरेक्टली काम नहीं करता है, वैसे टाइम लगता है। आ गया हमारा बाकी का मटेरियल, ये रहा। तो चलिए, यहाँ पे हमें ईस्ट यूज़ करेंगे। शुगर जो ईस्ट का खाना होता है वो शुगर होता है। तो देखिए, ये थोड़ा गर्म हो चुका है, तो चलिए नॉर्मल गर्म करना है, ज़्यादा नहीं। और ठीक है, ये हो चुका है तो इतना काफ़ी रहेगा। और चलिए, अभी हम इसको कटोरी में ईस्ट को ऐड कर लेंगे। लगभग 1 चम्मच ईस्ट हमें चाहिए होगा। ठीक है, ये रेड स्टार का ईस्ट है फ्रेंड्स, देख सकते हैं इस तरह से कुछ इसकी ब्रांडिंग आती है। और ये बेकरी वाला ईस्ट भी आता है, ये भी आप अच्छा वर्क करता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले ये थोड़ा कम वर्क करता है अच्छे से। चलिए, हमारे पास रेड स्टार का ईस्ट है तो हम उसी को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देख सकते हैं हम इसको कटोरी में ऐड कर लिए है, और थोड़ी शुगर ऐड कर लेंगे 1.5 चम्मच। तो देखिए, 1 चम्मच हम शुगर इसमें ऐड कर लेते हैं, 1.5 चम्मच लगेगी हमें, कोई बात नहीं। तो ये जो पानी है थोड़ा गुनगुना है जो हमने गर्म किया था, तो पानी ऐड कर लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा पानी हमारे लिए, और बाद में इसे अच्छे से घोल लेना है ताकि एक जान हो जाए, अच्छे से मिक्स करना है इसको। ठीक है, चलिए इसको अभी हम लगभग 10-15 मिनट के लिए एक्टिवेट होने के लिए ऐसे छोड़ देंगे। तब तक हम शुगर ऐड कर लेंगे हमारे जार में। 250 ग्राम हमें शुगर चाहिए, मतलब 1 पाव के आसपास। चलिए, 250 ग्राम हम शुगर ले लेते हैं। देख सकते हैं 250 ग्राम हमने शुगर ले लिया है, और इस जार में मैं 1 लीटर पानी ऐड कर लिया हूँ और शुगर ऐड कर लिया हूँ। पानी ऐड करते हुए आपको नहीं दिखा सकता, उसके लिए माफी चाहता हूँ।
लेकिन मैं इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर लिया हूँ, ठीक है, पेस्ट डालने के बाद में इसको अच्छे से घोल लेंगे हम लोग। अभी हम इसमें चलिए बाकी के जो चीज़ें हैं वो ऐड कर लेंगे, जो हमारा बाकी का मसाला है। कुछ लोग तो फालतू की कमेंट करते रहते हैं कि ये आप क्या बना रहे हो, लेकिन इससे स्वाद काफ़ी बेहतर हो जाता है जो हम एथेनॉल बनाते हैं। तो ये देख सकते हैं ये जायत्री है, तो इसमें 2-3 पंखुड़ियाँ जायत्री के हम इसमें ऐड कर लिए हैं, और ये सौंफ है तो सौंफ भी डाल देंगे इसमें। जिन लोगों को कमेंट करना होता है वो ना डाले कि आप क्या डाल रहे हो, ये क्या डाल रहे हो, एक ऑप्शनल चीज़ है, जिससे जो हम चीज़ बना रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन हो जाती है इससे। और ये ना, ये क्या है, इसको दालचीनी बोलते हैं, तो दालचीनी हमारे पास लगभग हुई अवेलेबल होती है इजीली, तो छोटा पीस करके इसको डाल देंगे हम। वैसे घुलती नहीं है इसमें, सिर्फ इसका स्वाद इसमें आ जाता है। ये दालचीनी का फूल है, ये फूल हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये सब मसाले वाली चीज़ें हैं जो आसानी से घर में अवेलेबल हो रहती है, और 2-3 लौंग डाल देंगे, लौंग डाल दिए हैं। और ये नौसादर और त्रुटी है, तो नौसादर त्रुटी हम इस बार नहीं यूज़ करेंगे, इसमें सॉरी नौसादर हम नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ त्रुटी यूज़ करेंगे। ये लौंग सॉरी इलायची है, इलायची हम इसमें ऐड कर दिए हैं, और थोड़ी सी त्रुटी डाल देंगे, जो हम पानी घर में हमारे नल का पानी आता है उसमें ये साफ करने के लिए हम इसे अक्सर डालते हैं, जिससे क्या होता है जो बैक्टीरिया वगैरह होता है वो मर जाता है इससे। तो मतलब ये थोड़ा सा मात्रा में हम इसमें डाल देंगे, ये आलम कहा जाता है इस त्रुटी को हिंदी में, और इसे फिटकरी भी कहते हैं कई कई जगह, तो इसे फिटकरी कहा जाता है, कई जगहों पे इसे त्रुटी भी कहते हैं। तो ये खसखस है, पोस्ता कहते हैं इससे। चलिए पोस्ता ऐड कर लेते हैं इसमें, जो आलम होता है उससे बैक्टीरिया, उस मतलब जो हमारा ईस्ट वाला बैक्टीरिया वो उससे नहीं मरता है, उससे कोई हानि नहीं होती उससे, लेकिन जो बैड बैक्टीरियाज है उसको वो मार देता है, तो जिससे हमारे को मतलब कुछ खतरा नहीं रहता है, तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा वो यूज़ कर लेते हैं। बाकी जो ये है नौसादर वो हम इसमें नहीं यूज़ करेंगे, इसका दिक्कत नहीं, अगर थोड़ा बहुत डाल देते हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं होती। चलिए इसको बंद करके हम फर्मेंटेशन के लिए लगभग इसको 15-20 दिन लग सकते हैं, क्योंकि अभी टेम्परेचर काफ़ी डाउन चल रहा है, इसके लिए काफ़ी समय लग सकता है। इसको देख सकते हैं अभी कुछ भी हलचल इसमें नहीं हो रही है, अभी देखते नेक्स्ट डे में इससे हमें थोड़ी बहुत हलचल नज़र आ रही है, तो काफ़ी कम मात्रा में इसमें से बबल उठ रही है, और लगभग 10 दिन के बाद ये काफ़ी अच्छी हलचल इसमें नज़र आ रही है। तो देखिए ये लगभग 15 दिन हो गए अब इसको, और 15 दिन बाद देख सकते तो ये अभी डिस्टिल करने के लिए आई थिंक रेडी हो गया होगा। तो चलिए इसे हम खोल के देखेंगे और डिस्टिल करेंगे अगर हुआ होगा। तो देखिए हलचल पूरी तरह से बंद हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि अभी ये रेडी हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं, और देखिए इसमें काफ़ी बबल्स मतलब गैस जमा हो गई, इससे CO2 गैस प्रोड्यूस करता है, जो हमारा जो बैक्टीरिया होता है जो हम इससे ईस्ट कहते हैं, वो जो बैक्टीरिया होता है CO2 गैस प्रोड्यूस करता है, और ये इथेनॉल और थोड़ा बहुत मेथेनॉल भी प्रोड्यूस करता है। तो चलिए अब इससे हम डिस्टिल कर लेते हैं। तो डिस्टिल करने के लिए आज हम नया जुगाड़ यूज़ करने वाले हैं, तो ये जो स्टोव है पोर्टेबल स्टोव, ये आपको अमेज़ोन पे मिल जाता है लगभग 700 के आसपास, काफ़ी इजी हो जाता है, काफ़ी इजी टू यूज़ है, कहीं भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और तो इसमें ये गैस की एक टंकी फिट होती है छोटी सी, तो ये गैस की जो सिलेंडर है छोटा, तो ये भी आपको अमेज़ोन पे लगभग 100 रुपये में मिल जाता है। तो चलिए हमारा जो सेटअप है वो रेडी कर लेते हैं, और पहले हम इस कुकर में जो हमारा वाइन बना है उसे हम डाल लेंगे, ठीक है पूरा डाल दिया हूँ मैं, लेकिन ये काफ़ी ऊपर तक भर गया है, तो हमें इसे दो बार करके डिस्टिल करना होगा, मतलब इसको हमें इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि ये काफ़ी उबला खाने का खतरा रहता है इसमें, तो हमें इसे
दो बार करके डिस्टिल करेंगे। तो चलिए हम पहले स्टोव को एंड ऑन कर लेते हैं। वो देखिए ये स्टोव पोर्टेबल है, काफ़ी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी बेहतरीन है, आप इसे ट्रेवल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सेटअप कर लेता हूँ। जो सिटी है वो निकाल लेना है हम लोगों को। चलिए कुकर का ढक्कन बंद कर लेते हैं और मैं अभी इसमें थोड़ा सेटअप कर लूँगा। देखिए मैं थोड़ा यहाँ पे एक स्टूल रखा हूँ जो लोहे का है, तो मेरे पैर पे पानी गिर गया। तो ये हमारा डिस्टिल का जुगाड़ है नया। तो कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे, कुछ फ्रेंड्स लोग, कुछ सब्सक्राइबर लोग, कि हमें गैस पे बना के बताइए, क्योंकि हमेशा हम इंडक्शन चूल्हा यूज़ करते हैं तो उस पर कुछ कुछ लोगों के पास नहीं होता है। तो इसलिए आज हम गैस पे बनाएंगे और इसलिए मैं ये पोर्टेबल गैस का जुगाड़ किया हूँ और इसे ऑनलाइन परचेस किया जा सकता है। तो अभी जो गैस की फ्लेम है हमने हाई रखी थी, अभी जो फ्लेम है इसमें बबल आना चालू हुए, तो जो फ्लेम है उसे हम लो सेट करेंगे ताकि ये उबला ना खाए। तो चलिए थोड़ा इसका जो फ्लेम है वो कम कर लेंगे, गैस का पावर थोड़ा कम कर लेंगे हम लोग, तो ठीक है, इतना सफिशियंट रहेगा। आपको देखना है ये ज़्यादा उबाला अगर खाता है तो उस हिसाब से ये आपके गैस के ऊपर डिपेंड है। तो ठीक है, अभी देखिए इसमें काफ़ी अच्छी से हलचल हो रही है और इसमें हमारा आउटपुट भी जनरेट होना शुरू हो चुका है, मतलब जो एथेनॉल है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो चुका है। और जो पहले आएगा वो थोड़ा इसमें मेथनॉल का परसेंटेज हो सकता है, तो इसे हम फेंक देंगे या इससे सैनिटाइजर के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे फेंकेंगे नहीं इस बार, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो सैनिटाइज़र के लिए यूज़ कर सकते हैं हम इसे। हैंड वॉश करने के लिए काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, काफ़ी मात्रा में इसमें एल्कोहल होता है और ये काफ़ी बेहतरीन होता है। तो पानी पे ध्यान दीजिए, ठंडा रहे, ज़्यादा गर्म ना हो। तो देखिए हम ये सैनिटाइज़र बना सकते हैं इसका, ये प्योर इथेनॉल है लेकिन ये इतना शुद्ध नहीं होता है जितना बाद में आता है, इसलिए इसको फेंक दिया जाता है, लेकिन हम इससे सैनिटाइज़र बनाएंगे, ठीक है। और देखिए काफ़ी क्रिस्टल क्लियर आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और जो गैस पे तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतने अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है, क्योंकि मैं हमेशा इंडक्शन यूज़ करता हूँ, तो इस बार गैस यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों के, कई लोगों के रिक्वायरमेंट थी कि गैस पे बनाइए, क्योंकि सब लोगों के पास इंडक्शन नहीं होता है, इसलिए इस बार हम गैस तो सबके पास अवेलेबल होता है तो इसलिए गैस पे यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसकी फ्लेम चेक करेंगे, अभी इसकी फ्लेम ब्लू आनी चाहिए, ब्लू रहती है तो ये काफ़ी अच्छा प्योर माना जाता है। तो चलिए इसकी फ्लेम चेक कर लेते हैं हम। माचिस का काम तो है नहीं हमें, तो स्टोव है। तो देखिए जो फ्लेम है वो काफ़ी ब्लू आ रही है, इसमें कोई इनप्योरिटी के चांसेस तो है नहीं, ये काफ़ी प्योर है, आप इसे आग बंद करके यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हमारे घर में आग लग चुकी है। तो देखिए वे जो सेटअप है वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है हमारा, और जो 500 ml का हमारा बीकर है वो भी भरते हुए आ रहा है। मेरे ख्याल से 500 ml तक इसमें प्रोड्यूस होना चाहिए, तो देखते हैं अभी कितना प्रोड्यूस होता है। लेकिन हो सकता है 400 या 500 के पास हमें इसमें से एथेनॉल जनरेट होके मिले, तो देखते हैं। और देखिए गैस का जो फ्लेम है आप देख लीजिए, इस तरह से सेट करना होता है और पानी बार बार चेंज करना होता है, क्योंकि ये पानी गर्म होते रहता है काफ़ी जल्दी। और जो अभी क्या हो गया थोड़ी देर में, मतलब अभी देख सकते हैं ये इतना हाथ को ठंडा महसूस नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे अभी इसको बंद कर देंगे। देख सकते हैं जब इसमें एथेनॉल होता है यानी कि अल्कोहल होता है तो ये मतलब पेट्रोल की तरह काफ़ी ठंडा लगता है हाथ को, तो अभी ये नहीं लग रहा है तो इसे बंद कर देंगे हम। और जो हमारा दूसरा वाला हमने रखा था, मतलब हमको हमारा बॉटल में थोड़ा सा भी वाइन है तो उससे भी डिस्टिल कर लेंगे,
क्योंकि हमारा हमने रखा था उसको, क्योंकि इकट्ठे हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो कुकर है वो छोटा था, तो इसलिए हमें डबल करके उसको डिस्टिल करना पड़ा। चलिए ये रहवा हम इसे कर लेंगे, थोड़ा आपको फास्ट में बताएंगे क्योंकि वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो रही है तो आप बोर हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा ये फास्ट में बताएंगे आपको। तो चलिए, और ये जो गैस है अभी आई थिंक ख़त्म होता होगा, क्योंकि इसमें पहले ही काफ़ी कम गैस था, ये मैं यूज़ कर लिया था सिलेंडर, लेकिन देखा अभी कितना चलता है, तो सिलेंडर हम चेंज कर लेंगे। तो सेटअप इस तरह से होता है ये, अभी हम इसे हाई फ्लेम पे रखेंगे, बाद में इसे लो कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जो हमारा सेकंड वाला डिस्टिलेशन है उसमें भी काफ़ी प्योर एथेनॉल हमें मिल रहा है, और जो सिलेंडर है वो ख़त्म हो चुका था, तो देख सकते हैं मैं वहाँ पे दूसरा सिलेंडर लगा लिया हूँ, और अल्कोहल हमें काफ़ी अच्छा सा देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये काफ़ी प्योर हो सकता है। हम इसकी ग्रेविटी भी चेक करेंगे, यानी इसका परसेंटेज अल्कोहल परसेंटेज भी चेक करेंगे बाद में, कोई बात नहीं। तो ये लगभग हो चुका है, क्योंकि मैं ये वीडियो काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड करके आपको जल्दी जल्दी में बताया था, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो आप बोर हो जाएंगे इसलिए। वैसे एप्पल की जो वाइन है वो काफ़ी अच्छी बनती है, तो ये हमारा जो बीकर है वो भर चुका है, और ये इसमें डाल देंगे। आपको जो भूरा भूरा दिख रहा है थोड़ा सफ़ेद, वो थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन नहीं होने के कारण हो गया, कभी इसकी आप फ्लेम हाई कर लेते हैं तो ये इसमें थोड़ा भूरा रंग आ जाता है, टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि हमने इसको डबल से डिस्टिल किया है ना, मतलब डबल नहीं बोल सकते, जो हमको मतलब हमारा अगर कुकर लंबा बड़ा होता तो वो उसमें हम इकट्ठे कर लेते, लेकिन ये अलग अलग किया ना हमने, तो टेम्परेचर में मेंटेन नहीं कर पाया, थोड़ा इसलिए वो सफ़ेद हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी नहीं है, काफ़ी अच्छा है, कोई बात नहीं। तो ये हो चुका है लगभग कंप्लीट, तो बंद कर लेते हैं गैस को, और ये पूरा हो चुका है। तो देखिए लगभग 500 ml के आसपास, ये पूरा जो बीकर है ये 500 ml का है। तो अभी हम इसकी परसेंटेज चेक करेंगे, अल्कोहल का जो परसेंटेज है वो चेक करेंगे। पहले इसमें हम पानी डालेंगे सादा वाला, और पानी में देखेंगे आपको कि कितना आता है परसेंटेज, 0-0 आना चाहिए, पानी में कोई अल्कोहल नहीं होता है इसलिए ये 0-0 बताना चाहिए। तो देखिए मैं आपको थोड़ा मीटर पे फोकस करके बताता हूँ, तो ये देख सकते हैं ये 0-0 आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ इसको, ये इसको फेंक के अल्कोहल डाल के देखेंगे इसमें कि अल्कोहल का जो परसेंटेज है वो कितना आता है। मेरे ख्याल से 40, 42 या 45 इसके आसपास आ सकता है, देखेंगे अभी। चलिए जो अल्कोहल हमने प्रोड्यूस किया उसमें इसको डाल देते हैं सिलेंडर में, तो आराम से डालेंगे नहीं तो गिर जाएगा, ठीक है इतना काफ़ी रहेगा। तो देख सकते हैं मैं आपको परसेंटेज दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है फोकस, ये लगभग 35 या 40 के आसपास आ रहा है, ऐसे थोड़ा सा घुमा के बताता हूँ आपको, देखिए तो ये लगभग 40 35 40 के आसपास हमें इसका परसेंटेज मिला है अल्कोहल का बन के। तो अभी टाइम है इसको चेक करने का, तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा आता है, ये पीने में कैसा लगता है। तो चलिए इसको पी के देखते हैं थोड़ा सा, तो ठीक है इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा सा, पानी डाल के इसको पियेंगे तो इतना काफ़ी रहेगा, ये काफ़ी हार्ड होता है तो ये काफ़ी ये डेंजर होता है, मतलब पावरफुल होता है। चलिए पानी डालते हैं इसमें और पी के देखते हैं इसको, तो चलिए पीता हूँ मैं और आपको बताता हूँ कि ये कैसा लगता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है, टेस्ट काफ़ी बेहतरीन आ रहा है दोस्तों इसका, तो एक नंबर टेस्ट है, कोई बात नहीं। तो इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम क्वालिटी का टेस्ट आया मेरे को। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।